It's a throw-in for Unity House. The ball is with the discipline house again, and they're taking it forward really well. That's not a good hit, and it's out of target again. Discipline House is having the ball more than Unity House, and their position is better than the Unity House. The keeper sends it long. And again, the ball is again with the Discipline House, and Unity is lacking confidence. Unity House is not doing so really well. And they're just hitting the ball outside the ground every time, but Discipline is quite making an impact. Okay, it's out of the ball, and a throw in the favor of Discipline House. Thanks, Edmund. And clear, the defender cleared the ball, but the keeper should do really well here. रहीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दयानत हुसैन। दयानत भाई, किन के माबेन मैच है? जैसे कि आपको मालूम है, स्पोर्ट्स वीक का आगाज हो चुका है इस वक्त, जहां पे फेथ और यूनिटी और डिसिप्लिन के दरमियान में जारी है, और यूनिटी को लीड कर रहे हैं सर फारूक और डिसिप्लिन टीम को लीड कर रहे हैं सर करीम, और इनके दरमियान कंटदार मुकाबला जारी है। मैच के हवाले से मैं बताता चलूँ, यूनिटी का जो आपके पास है गोलकीपर है वो बेहतरीन है, लेकिन टीम तगड़ी जो नज़र आ रही डिसिप्लिन की नज़र आ रही है, तो फैसला जो है गोलकीपर और दोनों पे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि डिसिप्लिन का जो गोलकीपर है थोड़ा सा वीक है, तो दोनों टीमें जो भी अच्छा खेल करेगी वो जीतेगा। थैंक यू दयानत भाई। सही शॉट, शो माय स्टूडेंट्स। और ये अभी जान की तरफ से शो
आई वाह डिसिप्लिन के हाउस की तरफ से डिफेंस की दीवार की तरफ खड़े रहे प्लेयर्स बॉल को नहीं एक दूसरे को ज्यादा मार रहे हैं इस मैच में डिसिप्लिन की ज्यादा पासिंग ऑलमोस्ट 70% और यूनिटी की 30% और ये पास दे रहे हैं। पास के बाद शूट, लेकिन डिफेंस एक दीवार की तरह खड़ी हुई, बॉल को रोक दिया। असल बात ये थी कि बॉल और ये डिफेंस की तरफ बॉल गई, लेकिन डिफेंस बिल्कुल एक दीवार की तरह खड़ी रही और बॉल को बिल्कुल आर पार अपने जज्बात के साथ जज्बात को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़े। सर फारूक को देखकर लाल मजी को लिवरपूल का 2017 का फाइनल याद आ रहा है। अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सका क्योंकि प्लेयर्स की जानिब से वो में थोड़े दिनों में विचित्र यहाँ बैठे रहेंगे कमेंट्री करते करते। अरे तो